नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक GS-87A को देखेंगे। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं GS-87A क्या है, ये चर्चा में क्यों है। GS-87A को इसरो के द्वारा GSLV-F11 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। ये पूछा जा सकता है कि इसे किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें आप इसे, ये लॉन्च श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई है। और GSLV-F11 के द्वारा यह 13वीं उड़ान है, जिसमें कि 3 चरणों वाला इसरो का चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखें। अब देखते हैं GS-87A ये है क्या। GS-87A एक संचार उपग्रह है, यह भी पूछा जा सकता है, जिसका वजन 2250 किलो है। इसे GTO में स्थापित किया गया है, जहां से यह भारतीय क्षेत्र के KU बैंड में संचार सेवा उपलब्ध कुल 8 सालों तक कराएगा। यह एक संचार उपग्रह है जिसका वजन 2250 केजी है, जिसे कि GTO में स्थापित किया गया है और भारतीय क्षेत्र के KU बैंड में संचार सेवा उपलब्ध कराएगा कुल 8 सालों तक। अब देखते हैं GS-87A के कुछ अनुप्रयोग। GS-87A के द्वारा मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना की संचार जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके द्वारा एयरबेस और AEWC विमानों को आपस में जोड़ा जाएगा। ACWC आकाश से निगरानी वाले एक रडार प्रणाली है, जिसे विमान के ऊपर जोड़ा जाता है। ACEW का फुल फॉर्म हम देखते हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यह भी पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों, इसे आप अच्छे से तैयार करें, अपने कॉपी में लिख के इसको रिवाइज करें, समय समय पर रिवाइज करते रहें। निश्चित ही ऐसे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और ये एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।